योगी सरकार ने स्वच्छता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश की हो, मगर इन सब के बावजूद भी सरकार की एक कोशिश जमीन पर खरी उतरती नहीं दिख रही है। ऐसा ही कुछ बाराबंकी के दरहरा गांव में देखने को मिला है, जहां गंदगी के कारण लगभग 400 लोग वायरल बुखार की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार गांव में स्वच्छता की हालत इतनी खराब है कि यहां जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जल निकासी की व्यवस्था न होने के चलते पूरे गांव में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते गांव में संक्रामक रोग तेजी से पांव पसार रहा है और इसी के कारण लोग लगातार बीमारी की चपेट में आ गए हैं। 15 दिन कोई डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर यहाँ पे गांव में आए हैं आप लोग? हाँ, आए रहे, एक बार आए, एक बार आए थे। तो क्या वो दवा वो देंगे? हाँ, दवा दी है। कुछ फायदा हुआ दवा से? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो आप कहाँ दिखला रहे हो? अब गांव में दिखा रहे हैं डॉक्टर, गांव में ही डॉक्टर को दिखला रहे हैं जी। अच्छा, कुछ आराम मिल रही है? हाँ, जब का दवा खाते हैं तब का सुकून। गाँव में साफ सफाई होती है कि नहीं होती है? जी नहीं, जी नहीं, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। दिक्कत तो यहाँ पर जो है, तो ये सबसे पहली बात तो सब, ये गंदगी बहुत है, नाली भी साफ होना चाहिए। और यहाँ पर जो है, अरे वो गरीब आदमी है, अरे कोई इतना लंबा जो है तो वो बिजनेस तो है नहीं, अब कोई आदमी कहीं पर भागता है, कोई आदमी कहीं पर भागता है, उसकी वजह से जो है तो यहाँ पर दिक्कतें बहुत हैं। अगर कुछ सरकारी अगर कुछ अरे यहाँ पर अगर वो हो जाए तो अरे भाई उससे गरीब आदमी को जो है तो कुछ आराम हो जाए। यहाँ पे डॉक्टर की टीम भेजी गई थी? हाँ, तो वो 2 दिन आई थी, लेकिन वो दवा से कोई फायदा नहीं हासिल हुआ। दो दिन आई थी टीम, लेकिन यहाँ पर उससे कोई फायदा नहीं हासिल हुआ। और वो एक दिन जो है, अरे वो छिड़काव भी हुआ था, अरे वही नहीं, फिर कोई नहीं आया। भले ही गांव जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर हो, लेकिन गंदगी के कारण जिस तरह की हालत इस गांव में दिखाई दे रही है, उसके चलते प्रशासन ही सवालों के घेरे में आ गया है। आखिर सरकार की किसी योजना का लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।